हेलो जी, राम राम जी सभी को भाई, गुड मॉर्निंग। तो आज है तारीख 26 26 जनवरी। पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे, और बेटे का जो कुआ पूजन है, हमारी साइड में कुआ पूजन बोलते हैं, कई जो कमेंट्स भी आए थे तो उनकी साइड में पीलिया बोलते हैं। सुबह के 6 बजे हैं और मैं उठ चुका हूँ, ममता भी उठी नहीं है। हेलो, खड़ी वाले तेरे बेटे का क्या है, छोटे वाले का कि तो भाई आज तेरा ही तो फंक्शन है, उठ जा, गुड मॉर्निंग, उठ जा, कोपली कोपली, उठ जा, उठ जा। और घर वाले उठ चुके, मौसम देखते हैं कैसा है बाहर का। तो कुल मिला के मौसम पूरा ही फोग का है। तो गांव में 6 बजे देख लो भाई, माहौल ही हो जाता है। अगर मौसम खुल जाए तो बढ़िया है, जो गेस्ट आएंगे उनके लिए दिक्कत नहीं रहेगी। पापा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो? टंकी चला के पानी पूरी भरे हो भाई। शादी में या जो फंक्शन होता है ना, तो उसमें घर चाहे कितना ही बड़ा हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन जो मेहमान और सब आते हैं तो ऐसे मतलब सभी ऐसे कोने में या फिर सब हर जगह भर जाती है। दिखाता हूँ नीचे का माहौल आप लोगों को कैसा है। सुन, हेलो, मैं नीचे जा रहा हूँ, तेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी उठ के। तो आज तो हमारी भाभी जी भी उठ चुकी है। तो ये देखो भाई, जिस तरह जगराता माया करे सारे, देखो बोलो सच्चे दरबार की जय। तो भाई हलवाइयों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, और ये लड़के के ताऊ हैं जो कि पूरे जोरों शोरों पर साफ सफाई में पूरा अभियान दे रहे हैं। वीडियो बनते ही छोकि छोड़ दिया दंतालीर कैसे। और ये छोरे का बड़ा भाई है जो सारे दिन होका पीता रहता है। भाई कोई भी मुंह नहीं दिखा रहा अपना, सारे भाज के देखो चुगली चाटी हो रही है। और यहाँ पे क्या है ये, क्यों रहे हैं चुगली चाटे? काम करो आप चुगली मत करो, आप काम करो। ये मेहमानों के लिए भाजी। तो भाई अभी बज गए दोपहर के 12, और आप लोगों को एक चीज दिखाने वाला हूँ। हम लेके आए हैं मतलब सर्दियों का सीजन है तो गर्म पानी नहाने के लिए चाहिए, तो एक साथ गर्म पानी, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव हो जाते हैं तो एक साथ गर्म पानी हो नहीं सकता। तो कुदरत का करिश्मा देखो, आपको दिखाता हूँ मैं। ये हमने पानी का टैंकर भरवा के लेके आए हैं, इधर हमारे कादमा गाँव के पास पहाड़ में पानी का गर्म चश्मा बोलते जो कुआ है, ये बिल्कुल इतना गर्म पानी है, देखो इसमें से भाप निकल रही है। सच में भाई बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, हमारे लिए बहुत बढ़िया है कि जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है तो हम जाके ये गर्म पानी का टैंकर वगैरह भरवा लाते हैं, जिससे एक टैंकर में कम 100 आदमी नहा सकते हैं, इतना गर्म पानी है, क्योंकि ठंडा भी मिलाना पड़ता है। बाकी ऑल सेट है, सब हलवाई लग चुके हैं, दिखाते हैं हम आपको। ये इधर हलवाई अपना काम करते हुए, पूरा ताम झाम सेट रेडी। और ये देखो खाना खाते हुए, और दो दो पूरी की बात हुई थी, संकेत भाई ने 4 पूरी खा ली हैं, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। और 3 बंदों के हाथ में फोन है, पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, ये तो भगवान ही जाने किससे चैट करता है। चारों तरफ पता नहीं क्या ही धड़ाडकी हो रही है, कोई कुछ बैग से कुछ निकाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कहीं पे चुगलियां चल रही है, कहीं पे बातें चल रही है, और इसको कुछ काम ही नहीं है, हर दिन फोन यूज। आज तो तेरे भाई का फंक्शन है। तो अभी बज गए 12:15, और लगभग सारा सेटअप हो चुका है, ये पर्दे वर्दे लगाने हैं और लाइटिंग सेट करनी है। काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं गिल्लू टेंट चंदेनी, बस थोड़ी बहुत मुझे लग रही है कमियां, वो मैं इनको बता रहा हूँ। और इधर भाई भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कराते हुए, थोड़ी बहुत की बहुत ज़्यादा ही हेल्प करा रहे हैं। और बस अभी गेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे थोड़ी सी देर में। तो हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो आ चुके हैं। ये दीपाली जी कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली या दिल्ली? दिल्ली से। और आप अपना देना इंटर। मैं भी दिल्ली से। दिल्ली नाम 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 श्वेता। अच्छा,
आप भाई गुस्सा मार रहे हैं। तो अभी ये इन पे लेयर पे लेयर चढ़ा देंगे आपकी व्लॉगर साहब पे, देखो आप देखो और बाद में देखना इसका लुक, ठीक है? तो देखते नहीं चढ़ाएंगे लेयर, है ना? चलो नेचुरल मेकअप रहेगा। जल्दी जल्दी करो क्योंकि जो अभी टाइम है वो 12:43 पौने एक बज गया है और 2 बजे गेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे सारे। हमारी नेक्स्ट सॉन्ग की मॉडल मिस गई है। गाइस आप मेरा लुक देख सकते हो, मैं ऐसी लग रही हूँ। अभी मेरा मेकअप होगा तो आप मैं आपको जरूर दिखाऊंगी छोटे छोटे शॉर्ट में। दो लुक करने वाले हैं, एक साड़ी का और एक लहंगे का। हाँ जी, तो साड़ी मैं अभी जब पूजूंगी ना, धोक लगाते हैं हमारे यहाँ पे, उस टाइम पे मैं साड़ी पहनूंगी और रात के फंक्शन के लिए मैंने एक ड्रेस रेडी की है वो पहनूंगी। तो आपको प्रॉपरली मेकअप में दो लुक दिखाऊंगी आप लोगों को आज। हाँ जी, ममता जी का। हाँ जी, और इनका ना इंस्टाग्राम पे पेज है और मैं इनका नंबर कॉन्टेक्ट नंबर भी इसमें लिखूंगी। इनका मेकअप सीरियसली बहुत अच्छा है और आपको मतलब इनका बजट भी बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल सही, उसमें प्रोफेशनल मेकअप है। और ये भैया है जो ये हेयर स्टाइलर है ना, तो ये हेयर करेंगे मेरे। तो मैं आपको दिखाती हूँ छोटी छोटी क्लिप में, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लिप के साथ। भाई देखते हैं कितना मेकअप स्टार। ओ तेरी, बाल फूकने की स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा। क्या फूक रहा है भाई? फूक दिए सारे? बचे हैं थोड़े बहुत? बचे हुए हैं। हाँ? बचे हुए। अच्छा, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। तो भाभी जी भी आ गई हमारी गुंड। ऐ गोलिका, गोलिका भी आ गई। अच्छा, मतलब है ना ऐसा लगता है गुंजन और गोरी का बराबर सा ही नाम है, तो मैं इसको बोलूंगा था हेलो गुंजन। कब से स्टार्ट करोगे आप दीपाली जी? बस फटाफट, बस इनका मेरे लेयर वेयर तो चढ़ाने नहीं है, बस बाल वाल थोड़े से सेट करने, हल्के से लेयर भी चढ़ा देंगे। हल्के करने ही नहीं, लेयर चढ़ाने की जरूरत नहीं है जी, गॉड गिफ्टेड हूँ मैं। अच्छा, अच्छा, हम क्या है? है? हम क्या है? आप मेकअप गिफ्टेड हो। कितना स्ट्रगल है ना, मतलब बेबी को फीड कराते हुए मतलब आप मेकअप करा रहे हो साथ साथ में। ये हर एक माँ का स्ट्रगल होता है कि काम करते करते भी बच्चे को संभालना होता है। अब देखो मैं मेकअप करा रही हूँ, बच्चे को फीड करा रही हूँ, क्योंकि दोनों काम जरूरी जरूरी। सो गाइस देख सकते हो आप, हाफ मेकअप हो चुका है। सो फाइनल लुक के लिए थोड़ा सा वेट करो, फाइनल लुक भी दिखाती हूँ मैं। मुझे पता लगा कि उत्तर कुमार जी पहुंच चुके हैं तो मैं उनसे मिलने आया हूँ। आज जो प्रोग्राम की बात है फिर बनाऊंगे किसी दिन। अरे सर इसकी क्या जरूरत है? खाना तो अभी लग रहा है, लग रहा है प्रोग्राम में तो खाना भी होगा। सुपरस्टार लाइटिंग वगैरह आप कितनी लेके आए हो? आपसे बात हुई थी। तो अभी पहुंच गई मेरी साली चेतना और उनके हस्बैंड हरियाणवी जाने माने सिंगर आकाश दीक्षित, स्वागत है इनका। तो अभी पहुंचे हैं ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर स्वामित बडेसरा। कहाँ पे आपका? नारनौल। अच्छा नारनौल, हाँ नारनौल तो ज्यादा दूर नहीं है।
मम्मी को पापा को सबको दिखाती हूँ मैं। एक दिन देखा तो पापा कह रहे थोड़ा देखा हम दूर पहले मैंने गाने दिखाए मैंने अच्छा पर बोलेंगे तो बिल्कुल सीधे सिंपल से मैंने माने कर रहे सिंपल रहे गाँव में हेलो जी मोदी जान कैसे हो बहुत सुंदर लग रहे हो अच्छा ये आप ही कम क्या तो घर पे जा रहे हो क्या आई इससे मिलके जाना लेकिन Thank you.
अभी बज गए रात के 10 और मुकेश जाजू सर, राकेश माजरिया भाई, अक्की आर्यन सर और उनकी टीम अभी पहुंची है और प्रिंस पंडित भाई भी आ चुके हैं अपने एनसीआर वाले, तो फुल मजे आ रहे हैं। वही अभी डांस करेंगे फुल चिल। करूं दिन रात डरूं कदे ना कर दे।
ये अपने बाउंसर्स की टीम भाई, सुबह से लेके शाम तक इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया भाई, थैंक यू। मेरी गला, मेरा जो गला है वो इतना मतलब हो चुका है ऑलमोस्ट खत्म, क्योंकि चिल्लाना, पसीने में पानी पीना, और ये पीछे भी व्लॉग बना रहे हैं, और सभी में दिखा रहा हूं फंक्शन के सारे गेस्ट जा चुके हैं, और संकेत भाई भी अभी जाने के लिए बोल रहे हैं, तो जो कल तक भरा भरा हो गया था आज सभी जा रहे हैं, खाली खाली सा कर रहे हैं सभी। तो भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जितने भी सेलिब्रिटी, जितने भी गेस्ट आए हैं उनका दिल से धन्यवाद, मेरा मतलब फंक्शन, हमारा फंक्शन इतना प्यारा बनाने के लिए। संकेत भाई बहुत ही बढ़िया, अच्छा था ना, एक्सपेक्टेड था इतना, है ना, स्टार्टिंग से मतलब मैं बड़ा हो रहा था पागल सा कि इधर उधर जाना भटकना, मतलब दिमाग खराब हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत अच्छे से होगा सब, तो होता है थोड़ा बहुत मैनेज करना, बहुत अब जाके लग रहा है मुझे कि मैं दो बच्चों का बाप हो गया आज, मतलब मुझे बाप वाली भूमिका आज सब में सब विश करने लगे, तो स्पेशल आके बोला कि आज फील हो रहा है, आज फील हो रहा है मैं बाप हूँ।